भामाशाह जो है वो अपना काम करके 24 घंटे के भीतर दे देंगे, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग जो है वो नगर परिषद कैसे करेगी? नवरात्रि तक हम इस शहर को पूर्णतया साफ सुथरा और जो भी रोडों के अंदर ये खड्डे वड्डे जो हुए हैं, इन रोडों को पूरे तरीके से अच्छी रिपेयरिंग करके आम जन को सुविधा प्रदान करेंगे। जिला कलेक्टर है, उनकी अभिनव पहल जो है वो सार्थक होती हुई यहाँ पर साफ तौर से नजर आ रही है। मात्र 24 घंटों के अंदर इसका पूरी तरह से नवीनीकरण किया जाएगा। जय के भामाशाह ने खुद के जो उपकरण है वो मंगवाए हैं, यहाँ सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये सारे उनके निजी पैसे से काम कर रहे हैं। महेंद्र सिंह, मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर स्कूली बच्चों का जो है वो सहयोग है जो है बढ़ चढ़ कर नजर आ रहा है। तो स्कूली बच्चे हैं, इन्हें आज इनके लिए एक बड़ा सीखने का विषय है कि देखिए कई स्कूल के बच्चे जो थे वो ग्रामीण परिवेश से थे, लेकिन उन्हें जो है इस प्रकार से मैडम ने जो है कहा कि वहाँ पर जो है नवीनीकरण करें, वहाँ पर भी किसी प्रकार की गंदगी जो है वो ना फैलाएं, ये कितनी बड़ी शिक्षा थी और कितना बड़ा कार्य है आज कलेक्टर का सड़कों पर इस तरह से कार्य करवाना। और आप जैसे देखिए कर्मचारी जो है वो टूटी सड़कों को हाथों हाथ रिपेयर कराने का प्रयास कर रहे हैं। 12वें जिला कलेक्टर टीना डाबी की अभिनव पहल के बाद लगातार भामाशाह आगे आ रहे हैं और इस प्रकार से 12वें के भामाशाह जोगेंद्र सिंह ने एक सड़क जो है उसको नवीनीकरण के लिए जो है गोद लिया था और उसके बाद आज जो है उसका कार्य जो है वो शुरू किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड का कार्य जो है वो 24 घंटे के भीतर जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर किस प्रकार सुबह से कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, वो कार्य जो है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे तमाम जो वीडियो है या फोटोज है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से JCB लगाई गई है, किस प्रकार से यहाँ स्कूली बच्चे जो है वो सहयोग कर रहे हैं और अन्य आस पड़ोस के जो लोग हैं वो सहयोग करके इस सड़क को जो है 24 घंटे के भीतर वो ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं, आफ्टर और बिफोर, कि वो पहले सड़क कैसी थी और अब कैसी है, वो तमाम तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी महेंद्र सिंह मेरे साथ है, महेंद्र सिंह से बात। महेंद्र सिंह जी, ये बाड़मेर के लिए कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर जो जिला कलेक्टर है उनकी अभिनव पहल जो है वो सार्थक होती हुई यहाँ पर साफ तौर से नजर आ रही है। बाड़मेर के जिला कलेक्टर टीना डाबी के द्वारा जो ये नया अभियान शुरू किया गया है नवो बाड़मेर, उसके तहत आज बाड़मेर के जो भामाशाह है वो बाड़मेर के नए निखार के लिए जो प्रयास करे तारीफ़ काबिल है। और हालांकि जो अपन बात करें बाड़मेर की नहीं बल्कि समूचे राजस्थान में भामाशाह के रूप में अपनी छाप छोड़ने वाले स्वर्गीय तन सिंह जी चौहान, जिनके जो पुत्र हैं वो हमेशा बाड़मेर के लिए आगे आते रहते हैं, और आज उन्होंने एक बड़ी मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा है कि जो 2 से 2.5 किलोमीटर की गांधीनगर की जो रोड है जिसे तन सिंह मार्ग कहा जाता है, ये मार्ग है, इसे मात्र 24 घंटों के अंदर इसका पूरी तरह से नवीनीकरण किया जाएगा। जिस तरीके से जहाँ ये सड़क जो टूटी हुई है इसका भी निर्माण किया जाएगा, और जहाँ लाइटों के पोल वगैरह है या फिर जहाँ पैचिंग वगैरह है सारा इसको नया किया जाएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि भामाशाह ने खुद के जो उपकरण है वो मंगवाए हैं यहाँ पर, किसी भी सरकारी महकमे का जो है यूज़ नहीं लिया गया, खुद की मशीनरी खुद के इंस्ट्रूमेंट जो है वो मंगवाए गए। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पैसा होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये मायने रखती है कि वो भामाशाह के साथ साथ जो खुद के पैसों के तहत और यहाँ पर वो सरकारी जो नगर पालिका है उसके किसी कर्मचारी का सहयोग नहीं ले रहे हैं, उनका कोई भी कर्मिक यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये जो जितने भी आप देख रहे हैं जो जैसे कि जो व्हीकल है और जो यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं ये सारे उनके निजी पैसे से काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है खुद में। बिल्कुल, देखिए किस प्रकार से सड़क का जो नवीनीकरण जो है वो कार्य सुबह से ही शुरू हो गया, उसके बाद यहाँ की जिला कलेक्टर टीना डाबी जो है वो यहाँ पर पहुँची थी और उसके बाद यहाँ से पूरी गली में जो है घूम घूम कर चाहे वो दुकान वाले हो या चाहे अन्य जो लोग थे उनसे उन्होंने संपर्क किया और कहा कि यदि कचरा यदि जो सड़क पर फेंक दिया तो पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। और यहाँ पर देखिए जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरा जाएगा, यहाँ नाले का जो नवीनीकरण है वो किया जाएगा, उसी के साथ सड़क का जो निर्माण कार्य है वो किया जा रहा है। देखिए पीछे से लेकर आगे तक की जो तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई है वहाँ पर देखिए तमाम प्रकार की मशीनरी उपकरण जो है वो खड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मशीनी उपकरण जो है वो खुद के निजी पैसे से लाए गए हैं और यहाँ पर 24 घंटे के भीतर ये वो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। बाड़मेर जो है वो किस प्रकार से वो नवा कर सकते हैं, यहाँ के जिन जिन लोगों ने गोद लिया है वो इसका नवीनीकरण जो है वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे में 2 से 2.5 किलोमीटर की सड़क पर लाइटिंग करना, डामरीकरण करना, सीसी रोड जहाँ टूटी हुई वहाँ पर सीसी रोड जो है वो करना, नाले का कार्य करवाना और अन्य ऐसे कई कार्य जो है जो शहर में होते हैं वो तमाम कार्य जो है वो इस रोड पर जो है 24 घंटे के भीतर जो है वो किए जाएंगे। महेंद्र सिंह, मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर स्कूली बच्चों का जो है वो सहयोग है जो है बढ़ चढ़ कर नजर आ रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है कि बाड़मेर के लिए जो है बच्चे भी जो है वो आगे आ रहे हैं। मैं आपको भरत बताना चाहूँगा कि बाड़मेर की जो सड़कें हैं या फिर बाड़मेर का जो गली है वो अपने संरक्षण के लिए आज तक बिलख रहा था, इसमें जो है गहरे खड्डे हो गए थे बरसाती कारण से, पूरी तरह से जर्जर हो गई थी, लेकिन आज जो कलेक्टर टीना डाबी ने जो प्रयास किया है उसके बाद में आप जो मुझे बच्चों के बारे में जानना चाह रहे थे, मैं बताना चाहूँगा कि जो स्कूली बच्चे हैं इन्हें आज इनके लिए एक बड़ा सीखने का विषय है कि आज टीना डाबी कलेक्टर
और समूचे राजस्थान के बड़े जो भामाशाह हैं वो आज सड़कों पर झाड़ू लेकर सफाई कर रहे हैं। उनको देखकर जो बच्चे हैं वो भी जिंदगी में ये सीखने का प्रयास करेंगे कि सफाई जो है वो रखनी अहम बात है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कलेक्टर महोदय जो है वो खुद आई और उसके बाद यहाँ पर तमाम जितने कार्मिक काम कर रहे थे उनसे बात की और उन्हें जो है एक मोटिवेशन किया कि यहाँ पर देखिए कई स्कूल के बच्चे जो थे वो ग्रामीण परिवेश से थे, लेकिन उन्हें जो है इस प्रकार से मैडम ने जो है कहा कि आप अपने गांव में, शहर के साथ जो गांव में जहां आप रहते हैं वहां पर जो है नवीनीकरण करें, वहां पर भी किसी प्रकार की गंदगी जो है वो ना फैलाएं। ये कितनी बड़ी शिक्षा थी और कितना बड़ा कार्य है ये खुद में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो सीखने का प्रयास जो है वो बच्चे हमेशा किसी न किसी को देखकर ही सीखते हैं। आज कलेक्टर का सड़कों पर इस तरह से कार्य करवाना और आप जैसे देखिए कर्मचारी जो है वो टूटी सड़कों को हाथों हाथ रिपेयर कराने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है सड़क का नवीनीकरण जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि जहाँ जहाँ गड्ढे थे वहाँ पर देखिए अब ये कंक्रीट है वो डाली जा रही है। हालांकि पीछे वाली यदि तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो वहाँ पर कंक्रीट जो है वो डाल दी है, रोड रोलर जो है वो घूम चुका है यहाँ पर। मैं कोशिश करूँगा कि सभापति जो है उनसे बात करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा कि किस प्रकार से शहर का नवीनीकरण। बाड़मेर की जिला कलेक्टर का एक जो है नवो बाड़मेर का के जो नवीनीकरण जो है वो चल रहा है, उसके बाद अब तमाम प्रकार के भामाशाह आ गए। किस प्रकार से शहर का नवीनीकरण हो रहा है, 24 घंटे के भीतर जो है ये टारगेट लिया गया कि 24 घंटे के भीतर इस सड़क को जो है एकदम से नई कर दिया जाएगा, यहाँ पर लाइटें लगाई जाएगी, तो इसको मैं धन्यवाद करता हूँ बाड़मेर के नव नियुक्त कलेक्टर आदरणीय टीना राबी जी का, क्योंकि जब शहर जिले का जो मुखिया अधिकारी होते हैं, क्योंकि सरकार केवल योजनाएं या सरकार कोई कार्य के लिए आदेशित करती है, लेकिन जब तक अधिकारियों में इच्छा शक्ति नहीं होती है, जब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। आज मुझे बड़ी खुशी की बात है कि बाड़मेर के लिए जो नवा बाड़मेर का जो थीम के आधारित पर जो कलेक्टर महोदया ने जो एक कार्य एक पहल की है, उस पहल का आज शहर में असर पड़ा। सभी तमाम जनप्रतिनिधि बाड़मेर के भामाशाह आगे आए और जोगिंदर सिंह जी ने प्रथम ही प्रयास में आज 24 घंटे के अंदर इस पूरी रोड को जो तन सिंह के मार्ग से जो रोड है इसको रोड को 24 घंटे के अंदर पूर्णतया साफ सफाई स्वच्छता और इस रोड को रिपेयरिंग करके नई रोड बनाकर 24 घंटे में देने का जो वादा किया है उसकी उन्होंने आज हमने सुबह पूरा निरीक्षण किया। जनप्रतिनिधि यहाँ की आम प्रभुजन सभी ने सहयोग किया और आज मैं आशा करता हूँ कि आज ये 24 घंटे के अंदर शाम तक ये रोड बहुत अच्छी, इसी तरह मैं बाकी भी जो भामाशाह है उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि आपने भी जो चीज़ गोद ली है उसमें अपने सर भागीदार निभावें, और क्योंकि सरकार की मशीनरी कितना भी कार्य करे जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक हम उस जो हमारे बाड़मेर को एक नया बाड़मेर बनाना है और हम उसकी ओर जो अग्रसर हो रहे हैं वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए हम सभी मिलकर इस बाड़मेर को अच्छा और सुंदर बनाएं। अच्छा, किस प्रकार से जो है अधिकारियों को जो है नोडल अधिकारी घोषित किया गया, अधिकारी किस प्रकार से मॉनिटरिंग करेंगे? हालांकि देखिए भामाशाह जो है वो अपना काम करके 24 घंटे के भीतर दे देंगे, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग जो है वो नगर परिषद कैसे करेगी? बिल्कुल, नगर परिषद के पास में मैन पावर की समस्या रहती है, क्योंकि सरकार वैकेंसियाँ निकाल नहीं रही है और जो है वो दिनों दिन रिटायरमेंट हो रहे हैं, बड़ी दिक्कतें आती है। लेकिन इसके लिए कलेक्टर महोदय को जब इस समस्या से अवगत कराया तो कलेक्टर महोदय ने बहुत अच्छी पहल की है, उन्होंने सभी जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको अपने कार्य के साथ साथ में शहर की मॉनिटरिंग, क्योंकि जिला मुख्यालय है, शहर की मॉनिटरिंग के लिए ADM साहब, CO साहब, SDM साहब, तहसीलदार साहब, हमारे नगर परिषद के कमिश्नर, हमारे XDM, जितने भी अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी उन सबको जो हमारे शहर के 11 सर्कल है उनका एक एक सर्कल का उनको इंचार्ज बनाया है और साथ में हमारे सम्मानित पार्षद गणों को भी शामिल किया गया है और हम सभी लोगों को अवेयरनेस के लिए सिखाएंगे और उनको अवेयरनेस कैसे की जाती है और हमारे मोहल्लों में, क्योंकि बारिश का मौसम जिस तरह बारिश इस पर पड़ी है उस पर पूरा शहर रोडों से डैमेज हो गया है, तो इसको हम कितना जल्दी से जल्दी उम्मीद करते हैं कि आने वाले नवरात्रि तक हम इस शहर को पूर्णतया साफ सुथरा और जो भी रोडों के अंदर ये खड्डे वड्डे जो हुए हैं इन रोडों को पूरे तरीके से अच्छी रिपेयरिंग करके आम जन को सुविधा प्रदान करेंगे। बिल्कुल, देखिए सभापति महोदय ने एक अच्छा टारगेट लिया है कि केवल 10 दिन के भीतर जो है यानी नवरात्रि 3 तारीख को शुरू हो रही है और उससे पहले जो है शहर के जितने भी तमाम गड्ढे हैं, सड़कें जो है उनका नवीनीकरण करेंगे और उसके बाद यहाँ पर बाड़मेर शहर जो है वो एक बार फिर नए तरीके से चमकता हुआ नजर आएगा। उससे पहले ये तस्वीर हम आपको जरूर दिखाएंगे कि किस प्रकार से 24 घंटे के भीतर मैसेस तन सिंह जो फर्म है जिनके उनके पुत्र जो जोगेंद्र सिंह है जिन्होंने इस रोड को गोद लिया था और 24 घंटे के भीतर वो किस प्रकार से इस रोड का जो है नवीनीकरण करेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पर बबूल की जो झाड़ियाँ है उन्हें हटाया जा रहा है, यहाँ पर जो कूड़ा कचरा है उसे हटाया जा रहा है, यहाँ पर कई महिलाओं को जो है कार्य पर लगाया गया है, महिलाएँ जो है
वो यहाँ पर साफ सफाई करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर कंक्रीट डाली जाएगी, उसके बाद डामरीकरण जो है वो किया जाएगा। और ये तस्वीर देखिए कि ये तस्वीर ये बयां करती है कि आने वाले 24 घंटे के भीतर ये सड़क जो है एक अलग ही तरीके से नजर आएगी। यहाँ की लाइटिंग जो है देखिए, कई लाइटें जो है, हालांकि अभी दिन का समय है लेकिन रात के समय जब यहाँ पर अंधेरा होता है तो ये लाइटें जो है नहीं चालू होती, लेकिन आज भामाशाह जोगेंद्र सिंह ने यह कहा है कि हम किसी भी प्रकार से इन लाइटों को जो है वो भी नवीनीकरण करेंगे, सड़क का नवीनीकरण, यानी 24 घंटे के भीतर इस सड़क को इस प्रकार से सजा दिया जाएगा कि लगता है कि जैसे ये सड़क पहली बार बनी हो। कैमरा सहयोगी जसवंत सिंह सिवकर के साथ भरत जांगीड़, दखटक, बाड़मेर।